हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 9। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आज हमारा पार्ट 9 के अंदर बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसमें है कॉल बग के नैतिक विकास के सिद्धांत। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें है कि उनका नैतिक विकास बताया कॉल बग ने कि बच्चा नैतिक के संप्रत्य से अपरिचित होता है, यानी कि समाज की धारणाओं से अपरिचित होता है, उसे पता नहीं होता, ना उसे सही डिसीजंस लेने आते हैं। स्टार्टिंग में समाज पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा की व्यवस्था करता है। समाज कभी बच्चे की प्रशंसा करता है, कभी उसे दंड देता है, कभी पुरस्कार देता है। तो इन्हीं सब से होकर वो अपने गुणों को परखता है और उनके बारे में उसे पहचान होती है कि किस प्रकार स्वाभाविक प्रवृत्तियों से नियंत्रित होने वाला बालक सामाजिक नियमों और मर्यादाओं के अनुसार आचरण करके नैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और वह अपने डिसीजंस डिसिप्लिन में रहना, ये सब चीज़ें उसे आ जाती हैं, मर्यादाओं में रहना, हर एक चीज़ें उसे सीख मिल जाती हैं कि अपने लाइफ को, अपने एटमॉस्फेयर को कैसे उसमें उसे रहना है या उनके अकॉर्डिंग कैसे चलना है उसे आगे अपने लाइफ में। हमने आपको नैतिक विकास के बारे में बता दिया है, अब मैं बताऊंगी आपको कॉल बग के सिद्धांत क्या हैं। कॉल बग के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर परिस्थितियों में बच्चा भय या पुरस्कार के प्रति लोभन में वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। कॉल बग का कहना है कि अधिकतर परिस्थितियों में बच्चा जब उसको भय होता है, डर किसी चीज़ का होता है या पुरस्कार मिलता है, उसकी प्रशंसा होती है, तभी उसके अंदर व्यवहार उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक अवस्था में बालक की तर्क शक्ति नए प्रकार की होती है। सभी बालकों में 6 अवस्थाएं नहीं होती हैं, हर एक बच्चे में नए नए अवस्थाएं आती रहती हैं। हर एक बच्चा एक ही तरह का व्यवहार नहीं करता, सभी बालकों में 6 अवस्थाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। हर एक बच्चे किसी में 6 अवस्थाएं उत्पन्न होती है। अब 6 अवस्थाएं क्या होती हैं उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगी, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। 6 अवस्थाएं हैं नैतिक विकास की अवस्थाएं। जैसे 6 अवस्थाएं में पहला है हमारा नैतिक आज्ञा एवं दंड की प्रशंसा, फिर है अहंकार की अवस्था, फिर है प्रशंसा की अवस्था, फिर है समाज व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान की अवस्था, फिर है हमारा सामाजिक समझौते का की अवस्था तथा विवेक की अवस्था। तो ये थे हमारे नैतिक विकास की अवस्थाएं, जिसमें हैं टोटल 6 हैं आपके पॉइंट्स। तो अगर इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये इजीली आपको सपोर्ट करेंगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी, कोई भी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा क्वेश्चन पसंद आया हो या फिर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक्स स्टूडेंट।